So, what's up guys, this is Manjit and welcome back to my another video. So, हमारे Most of the Dogs breed की इस सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूँ काफी जानी मानी काफी फेमस डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है साइबर हस्की। दोस्तों इस साइबर हस्की के बारे में बात करने से पहले आप लोगों के डेली कमेंट्स मैसेजेस और कॉल्स आती रहती हैं कि भाई कम से कम प्राइस में डॉग्स लेकर आओ। तो भाई अगर आप लोग कम प्राइस में डॉग लेना चाहते हो तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो मैंने 4:30 बजे ही डाली थी, तो इसका लिंक आप लोगों को एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के साइबर हस्की के बारे में। दोस्तों ओनर के पास अभी ये सिंगल पपी अवेलेबल है, बाकी के जो पपीज थे वो सभी के सभी सेल हो चुके हैं एंड इनका जो फादर है ना भाई वो केसी रजिस्टर्ड है। तो अगर आप लोग साइबर हस्की परचेज करना चाहते हो और वो भी ऑफ व्हाइट कलर में तो आप लोग इस पपी के लिए जा सकते हैं। वैसे आप लोग जानते ही हैं कि साइबर हस्की में वैसे तो काफी अलग अलग कलर्स होते हैं और इनकी आईज के कलर को लेकर भी आप लोगों को काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन ये जो पपी है ना ये ब्लैक आईज में है। तो साइबर हस्की काफी अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, ये ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, आप लोग इन्हें फैमिलीज में रख सकते हो। और हाँ, इन्हें ट्रेन करने में आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि हमेशा खेलने के मूड में होते हैं, काफी एनर्जेटिक होते हैं, तो आप लोगों के इंट्रेक्शन को शायद काफी जल्दी से ना सुने, तो आप लोग कंस्टेंटली इन्हें ट्रेंड करें। तो क्वालिटी पपी की काफी अच्छी है, क्वालिटी में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे पपी जो है ना ये अभी थोड़ा सा छोटा है, आई मीन 28 डेज का हुआ है और ये एक फीमेल है। बाकी ये चीज तो आप लोगों को पता लगी गई होगी कि पपी जो है ना ये होम ब्रीडिंग का है, तो आप लोग डायरेक्ट मदर के पास से उठा सकते हैं। एंड हाँ, वहीं पर अगर बात करें इसके कोट के बारे में तो ये जो पपी है ना ये स्टैंडर्ड कोट में है। वैसे आप लोगों को साइबर हस्की में कुछ अलग अलग कोट मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड, सेमी वुली एंड वुली कोट। वैसे जो वुली कोट के होते हैं उनका फर काफी ज्यादा बड़ा होता है जिसे मेंटेन रखना आप लोगों के लिए थोड़ा टफ भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड कोट को आप लोग आसानी से मेंटेन भी रख सकते हो, गर्मियों में ये काफी अच्छे से सर्वाइव भी कर सकते हैं। सो मदर की क्वालिटी तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इसके मदर और फादर दोनों की मैटिंग की वीडियो है और फादर जो है ये केसी रजिस्टर्ड है जिसके पेपर्स आप लोगों को पर्सनली व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। आप लोग डॉग ओनर से कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों अगर बात करें एज के बारे में तो एज तो मैं आप लोगों को इस पपी की ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, उन्होंने डिफॉर्मिंग टाइम टू टाइम कर रखी है एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है बदरपुर दिल्ली NCR से। एंड दोस्तों डिलीवरी को लेकर आप लोगों को कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसे परचेज करने के लिए तो आप लोगों को डायरेक्ट ओनर को विजिट करके ही इसे परचेज करना होगा क्योंकि डिलीवरी जो है वो ओनर प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। हाँ, उनका ये जरूर कहना है कि आसपास में हम लोग दे सकते हैं। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की ना भाई वो की 15,000 रुपीस यानी 15,000 रुपए, लेकिन डोंट वरी गाइस, प्राइस नेगोशिएबल है, बार्गेनिंग कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।